सांसद मनोरमा शर्मा डोबरियाल का आज अंतिम संस्कार हुआ। सांसद मनोरमा शर्मा डोबरियाल का अंतिम संस्कार हुआ राजकीय सम्मान के साथ। लक्खी बाग शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक कांग्रेस भवन में उनका पार्थिव शरीर रखा गया था। अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस भवन में उनका पार्थिव शरीर रखा गया था। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस भवन जाकर मनोरमा शर्मा को श्रद्धांजलि दी है। सांसद मनोरमा शर्मा के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस भवन में पैदल ही अंतिम यात्रा में शामिल हुए। घंटाघर प्रिंस चौक होते हुए शव यात्रा लक्खी बाग घाट पहुंची थी। अंतिम संस्कार में कई कांग्रेसी और बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। बड़ी तादाद में राज्य आंदोलनकारी भी इस अंतिम संस्कार में शामिल हुए। आंदोलन के वक्त से ही जिस तरह से जुझारूपन मनोरमा शर्मा में था, आज हर कोई उन पलों को याद करता है। हर किसी की आंखें आज नम थी अंतिम विदाई देते हुए। विजय पोकड़ा, मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और हमारे ब्यूरो चीफ पंकज पवार इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, वाकई आज का जो दिन है, सभी की आंखें नम होंगी। अंतिम विदाई देने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। एक ऐसा नेता उन लोगों के बीच से चला गया है जो उनकी आवाज बनता था। देखिए, महिलाओं की जो आवाज थी वो मनोरमा शर्मा डोबरियाल थी, और संसद में भी कई मुद्दे उन्होंने अपने अंतिम दिनों में जरूर उठाए। और सबसे बड़ी बात है कि आज बड़ी संख्या में जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तो कांग्रेस भवन से जो अंतिम यात्रा निकली उसमें बड़ी संख्या में हुजूम के साथ कांग्रेसी नेताओं के साथ साथ आम जनता, आंदोलनकारी सभी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल रहे। लक्खी बाग में पूरे पुलिस सम्मान के साथ उनको उनको मुखाग्नि दी गई और अंतिम विदाई दी गई, और वहां पर पंचतत्व विलीन हो गई मनोरमा शर्मा डोबरियाल। कुल मिला नम आंखों के साथ उनको विदाई दी गई, और साथ ही साथ एक जो एक बहुत बड़ा अगर कहा जाए तो स्पेस छोड़ गई है वो राजनीति का। और सबसे बड़ी बात है कि एक महिला होते हुए उन्होंने जो संघर्ष राजनीति में किया और आज जिस मुकाम पर वो पहुंची थी वो कहीं ना कहीं अविस्मरणीय रहेगा। और मुख्यमंत्री ने भी आज लगभग 9:30 बजे से 11:30 बजे तक वहां पर कांग्रेस भवन में उनको अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था, और उसके बाद उनकी अंतिम संस्कार लक्खी बाग शमशान घाट में करवाया गया। कुल मिलाकर एक जुझारू महिला नेता जो है और आंदोलनकारी, राज्य आंदोलनकारी, प्रदेश ने खो दिया है। इस पर सभी की आंखें नम थी, और जब जब नेता ऐसा बड़ा नेता लोगों के बीच से जाता, हर किसी की आंखें नम हो जाती। और आज यही था कि पूरा उत्तराखंड रो रहा था, उन पलों को याद कर रहा था जो वो लड़ाई लड़ती थी। और देखिए, जैसे ही पहली महिला वो राज्यसभा की सांसद बनी, उन्होंने उत्तराखंड की आवाज को सदन के अंदर उठाया था। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज पवार। और जाहिर तौर पर आज कांग्रेसी जुटे तमाम वो नेता, चाहे वो विपक्ष के लोग रहे हों, मनोरमा शर्मा की आवाज के बुरी थे। वो जानते थे कि उनकी आवाज में कितना दम है, महिलाओं के लिए, उनके हक के लिए किस तरह से वो आगे आती हैं, लड़ती हैं। याद कीजिए, आंदोलनकारी भी उन पलों को याद करते हैं जब वो उत्तराखंड के लिए आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी, शरीक होती थी। राज्यसभा सांसद मनोरमा शर्मा डोबरियाल को अंतिम विदाई दी गई। कांग्रेस भवन में मनोरमा शर्मा का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। इस दौरान बड़ी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। मनोरमा को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, प्रदेश के गृह मंत्री प्रीतम सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने भी श्रद्धांजलि दी। कांग्रेसी नेताओं के मुताबिक अपने पूरे राजनीतिक जीवन में मनोरमा ने बड़ा संघर्ष किया, और जो मुकाम पाया उसको पाना हर किसी के बाद की बस की बात नहीं थी। वहीं उन्होंने साफ कहा कि मनोरमा का असमय जाना प्रदेश के लिए बड़ा नुकसान है। बहुत सक्रिय आंदोलनकारी थी। मेरा इनसे परिचय तभी हुआ जब मैं भी त्यागपत्र दे के आया था और आंदोलन से जुड़ा था। महिला कांग्रेस में रही, मेयर रही, राज्यसभा एमपी रही, मेरे उनसे बड़े अच्छे संबंध थे, और मैं ईश्वर करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस महान दुख को सहने की शक्ति मिले। एक संघर्षशील महिला असमय जो है हमारे बीच से जो है चली गई है। निश्चित रूप से इसका जो क्षति कांग्रेस को और इस प्रदेश को हुई है उसकी भरपाई हो पाना बड़ा मुश्किल है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और उनके परिवार को और प्रदेशवासियों को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। तो जाहिर तौर पर हर एक की आंखें नम थी, याद कर रहा था उन पलों को।
आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। कांग्रेस भवन में से पहले उनका पार्थिव शरीर रखा था। अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। कांग्रेस हो बीजेपी हो किसी भी दल का नेता हो, मनोरमा शर्मा के अंतिम दर्शन से उमड़ पड़ा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम विदाई दी गई। किशोर उपाध्याय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आप देख पा रहे हैं और वो खुद बताते थे कि आंदोलन के समय किस तरह से वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी और एक महिलाओं की वो आवाज थी। उत्तराखंड में कांग्रेस संगठन को बड़ी मजबूती दी। मेयर पर के पद पर रहते हुए उन्होंने बड़ा काम किया था। तो मुख्यमंत्री हरीश रावत, इसके अलावा बीजेपी के तमाम बड़े नेता तीरथ सिंह रावत को आप देख पा रहे हैं। श्रद्धांजलि देने के लिए हर कोई उमड़ पड़ा। हर किसी की आंखें नम थीं।